स्पेशल फॉर्म फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देख लो, साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एक्स, ये फॉर्मेट है। अगर पहले रूल मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके एक एक रूल का हम लोग मैथ करेंगे, ओके। पहला रूल को याद नहीं करना है, ठीक है, रूल को याद नहीं करना है, ट्रिक्स समझना है। हम ट्रिक्स में जाएंगे, बट पहले थ्योरी को एक बार कह देते हैं। साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एम एक्स, ऐसा अगर हुआ तो जिसमें ऑड होगा, एम अगर ऑड हुआ और एन अगर इवन हुआ, तो कॉस को जेड पकड़ना है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट कैसे याद रखना है वो हम नीचे के इस मैथ में देखेंगे। देख ले एक एक करके। नंबर वन, ये नंबर वन है, यहाँ पर क्या है, साइन टू दी पावर क्यूब एक्स कॉस टू दी पावर फोर एक्स, मतलब ए वाला तेरा ऑड नंबर है, ए वाला इवन नंबर है। तो ऑड इवन को छोड़, पहले दोनों टाइप से हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक में साइन है एक में कॉस है, हम कर सकते हैं क्या, इससे या से एक साइन को निकाल लेते हैं, या से एक साइन को अगर निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू दी पावर फोर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, साइन एक्स डी एक्स है सिंगल, मतलब मुझे कॉस को जेड पकड़ना है, कॉस को जेड पकड़ना है, तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, मतलब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। अब यहाँ पर आ जाओ, इक्वल टू लगाओ, ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पर किसको जेड पकड़ा है हम लोगों ने, कॉस को, तो मतलब यहाँ पर इसको मुझे पहले कॉस में लिखना पड़ेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू दी पावर फोर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम सबको लिख सकेंगे चाहे तो, दिस इज वन माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर फोर इंटू डी माइनस डी जेड। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकेंगे प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं बाद में। यहाँ पर माइनस को निकाल, वन माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर फोर डी जेड, अभी बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके सर, एक कर देना फिर भी। अरे मुझे नहीं जा रहा है, कैसे लिखेंगे, ये तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लिखेंगे तो ओ ये तो पूरा एक पिक्चर है, इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा समझ में आया, ओके ठीक है, यहाँ पर जूम कर देते हैं।
देख लो यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन वन माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर फोर डी जेड आगे एक माइनस आ जाएगा उसके बाद माइनस इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले इसको इंटू कर दो ये आ जाएगा जेड टू दी पावर फोर माइनस जेड टू दी पावर सिक्स डी जेड ओके मतलब इक्वल टू माइनस जेड टू दी पावर फाइव बाई फाइव माइनस जेड टू दी पावर सेवन बाई सेवन प्लस सी अब जेड टू दी पावर फाइव फाइव कितना है कॉस मतलब कॉस टू दी पावर फाइव एक्स बाई फाइव माइनस ऑफ माइनस में प्लस कॉस टू दी पावर सेवन एक्स सेवन प्लस सी समझ में आया या नहीं यस सर ठीक है अच्छा आप टू दी पावर फाइव बाई फाइव कैसे हुआ हाँ 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 जोर से जेड टू दी पावर फाइव बाई फाइव जेड टू दी पावर फाइव बाई फाइव जेड टू दी पावर फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा जेड टू दी एक्स टू दी पावर एन इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस क्लियर है क्लियर है अच्छा अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर इसको ना करके साइन टू दी पावर क्यूब एक्स कॉस टू दी पावर फोर एक्स इसको ना करके अगर हम कॉस एक्स जो है वह से कॉस एक्स को निकालते यहाँ पर किस या तो कहाँ से निकला है यहाँ पर इससे निकला है इससे दो पार्ट निकला है एक ये और एक ये वाला बट अगर हम साइन को ना करके कॉस को करते तब प्रॉब्लम क्या था प्रॉब्लम देख लो पहले तो और हाँ अगर साइन को ना करते और तब प्रॉब्लम यही है कि इंटीग्रेशन क्या था क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स कॉस टू दी पावर फोर एक्स दिया अगर हम ऐसे करते कि हम इंटीग्रेशन लगाते यहाँ पर साइन क्यूब एक्स डी इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा करते यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स है तो मुझे लेट करके साइन को गेट पकड़ना पड़ता तो कॉस एक्स डी एक्स जो आता वो पर हम क्या कर अब क्या करना है अब मुझे सबको साइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है साइन में है तो यहाँ पर जेड क्यूब आ जाएगा बट इसको कैसे साइन में कन्वर्ट करोगे अगर कॉस स्क्वायर होगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं साइन में कन्वर्ट करने के लिए अगर कॉस टू दी पावर फोर होगा तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर उसके बाद वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर मतलब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम यही है अगर यहाँ पर क्यूब हो गया या टू दी पावर फाइव एक्स मतलब पावर में अगर नेगेटिव ऑड नंबर हो गया तब हम उसको साइन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्लियर है प्रॉब्लम क्लियर हुआ मतलब मतलब वही है कि जिसमें नेगेटिव पोर्शन होगा जिसमें ऑड पोर्शन होगा वहां से ही निकालना है जिसमें ऑड होगा वहां से ही निकालना है इसलिए तो फॉर्मूला था वह पर देखो अब फॉर्मूला वन और टू देखो फॉर्मूला वन में ऑड कहाँ पर है एम एम अगर ऑड हुआ मतलब साइन साइन में अगर ऑड हुआ तो मुझे साइन से निकालना है कॉस को जेड पकड़ना है क्योंकि यहाँ पर से तो एक साइन निकल जाएगा अगर इन वाला पोर्शन ऑड हुआ इन वाला पोर्शन ऑड हुआ मतलब एक कॉस वाला पोर्शन ऑड हुआ तो यहाँ से एक कॉस निकलेगा मतलब उल्टा वाला मतलब साइन को तब जेड पकड़ना है यहाँ पर भी क्लियर हुआ yes, ठीक है याद नहीं करना है इसलिए हम बोल रहे थे याद नहीं करना है ठीक समझना है कि हम जहाँ पर ऑड रहेगा वहाँ से निकाल सकते हैं और जो इवन नंबर है उसको हम इसमें ट्रांसफर कर सकेंगे कंसेप्ट क्लियर हुआ yes, okay? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अगर दोनों वाला ही ऑड हुआ प्लीज 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 ये दोनों को लर्न नहीं करना है समझना है इसे
लर्न करोगे तो भूल जाओगे, बहुत सारा ट्रिक्स है, कितना याद रखोगे, इसलिए थ्योरी को भूलो और ट्रिक्स पे ध्यान देना है। ओके, अब अगर दोनों ही ऑड हुआ, मतलब दोनों ही ऑड हुआ, तब क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक को भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक को, या से एक साइन निकाल सकते हैं, हाँ। या से एक निकाल, दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, तो इसलिए बोल रहे बोला जो कोई एक, साइन एक या कॉस एक, कोई भी चलेगा, एक मैथ कर लेते हैं हम। ओके, ये वाला देखो, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये तो हमें लगेगा नहीं। अच्छा ये वाला देखो, दोनों ही हमारा ऑड नंबर है, तो कोई भी है, किसको निकाले बोलो, किसको निकाले, साइन को, साइन को निकाले, तो साइन को निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर फाइव एक्स साइन एक्स डीएक्स, फिर से करेंगे वही, लेट कॉस एक्स इक्वल टू डेट पकड़ लेंगे, तब साइन एक्स डीएक्स जो आएगा वो हमारा माइनस डी जेड आ जाएगा, अब यहाँ से डीएक्स लिख करते हैं, साइन एक्स के जगह लिखा लिख देंगे वन माइनस डी स्क्वायर, क्लियर है, यस सर, यस सर, ये नहीं है, एक लाइन कर लेते हैं, साइन एक्स के जगह लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू दी पावर फाइव एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, अब उसके बाद अब जहाँ जहाँ कॉस एक्स से वहाँ पर हम लिख देंगे, कॉस एक्स जहाँ जहाँ पर है जगह हम जेड लिख देंगे, वन माइनस जेड टू दी पावर जेड स्क्वायर इंटू जेड टू दी पावर फाइव माइनस डी जेड इंटीग्रेशन देखे माइनस डी जेड, क्लियर है, यस सर, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इस मैथ में, पर्टिकुलरली इस मैथ में हम अगर उल्टा करते तब क्या प्रॉब्लम था, बाकी का हो जाएगा इसका, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया सर मैडम ने बोल दिया, फिर भी मैं एक बार एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज मुझे दिखाना है, ये वाला एक मिनट, यहाँ पर अगर हम एक क्या था साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू दी पावर फाइव एक्स डी एक्स का, अगर हम साइन को ना निकाल के कॉस को निकालते तब क्या होता, कॉस को अगर निकालते प्रॉब्लम यही था कि इसमें इसको साइन एक्स को जेड पकड़ना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स डी एक्स जो होता वो डी जेड आ जाता, अब इसका तो तू कर लेती, ये तेरा साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर डी एक्स सॉरी माइनस वन इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन, ओह सॉरी, हाँ ठीक, साइन क्यूब एक्स वन माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पर आ जाता तेरा जेड क्यूब, इट इज वन माइनस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू डी जेड, अब मुझे बोल कौन सा इजी है, ये वाला या फर्स्ट वाला इजी है, ठीक है देख लो, दो साइड में साइड पर ही साइड है, इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, पर राइट हैंड साइड में तुम्हें यहाँ पर इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, वन माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर फोर, ठीक
तोड़ने के बाद इसके साथ इंटू भी करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, मतलब एक दो लाइन बढ़ जाएगा। क्लियर है सर? सर तो मतलब ऐसे वाले सम्स में जो छोटा पावर रहेगा उसी को लेंगे तो? एकदम 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 यही कहना चाहते थे, जो ऐसे वाले मैथ में जिसमें छोटा पावर होगा उसको लेना है। ठीक है, उसको लेना है, ऐसे वाले जिसमें छोटा पावर होगा उसको लेना है। तो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला में जो लिखा है उसको छोटा करे तो वन ऑफ एटा, यहाँ पर लिख देना है मुझे ये व्हिच वन इज व्हिच हैव स्मॉलेस्ट हैज हैज होगा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब आखिर जाते हैं, दोनों ही अगर इवन नंबर हुआ मतलब ऐसा दोनों ही अगर इवन नंबर हो गया दोनों ही अगर इवन नंबर हुआ हाँ वो तो इवन दोनों अगर इवन नंबर हुआ तब क्या करेंगे देखिए। ऊपर जो जो था समझ में आ गया ना? यस सर। ओके चलो तो दोनों अगर इवन नंबर हुआ तो क्या करेंगे, यूज मल्टीपल, मतलब जो मल्टीपल का फॉर्मूला यूज कर रहा है। क्यों प्रॉब्लम है ये, जिससे निकालेगा अगर इससे निकल गया ये क्या आएगा cos cube x cos x, तो ये तो cos cube है, इसको sin में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर इससे निकल गया फिर इसको भी नहीं sin में कन्वर्ट कर पाएंगे। कांसेप्ट क्लियर हुआ? मतलब मुझे जब भी निकालना है तब भी और नंबर से निकालना है, बट यहाँ पर तो दोनों ही इवन है, तब क्या करना है, तब मुझे मल्टीपल यूज करना पड़ेगा। देख लो। अच्छा सर, cos 3x या sin 3x वाले फार्मूला से होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। मल्टीपल cos 3x या sin 3x वाला फार्मूला यूज होगा? या देखते हैं, यहाँ पर sin स्क्वायर x है तो मुझे क्या, मुझे sin 2x का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन ऐसे कर पाएंगे, बट ऊपर पावर रहे तो कर नहीं कर पाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, ये ऊपर पावर है, इस पावर को हटाना है। सर कुछ बोलना है? हाँ बोलो। cos 4x को cos cube x into cos x लिखेंगे, उसके बाद फिर वो वाला sin 3x वाला फॉर्मूला होता है उससे हो सकता है, cos cube x आ सकता है। cos अगर cos cube तो क्यों तो पावर अगर पावर है ये वाला 2x क्या बोल रहे हो? नहीं समझ रहा है क्या बोल रहा है? cos cube x into cos x ऐसा बोल रहा है? यस सर। अब cos cube x का जगह cos 3x अब क्या करना है सर? sin 3x के फॉर्मूला में आता है ना 3 sin x minus 4 हो सकता है। अलिया ठीक ही बोल रहा है, हो सकता है, बट प्रॉब्लम है कि ये वाला cos x रह जाएगा पूरा में। ठीक है, ये वाला रह जाएगा, फिर एक जगह ऐसा आएगा cos 3x into cos x होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, जरूर होगा, तब मुझे सामने हाफ लेके 2 लेना पड़ेगा, तब भी होगा, बट दो तीन लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो भी करना पड़ेगा। हाँ। अगर पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ तो करना पड़ेगा। ओके, खाली जो कहा वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें मुझे लगता है बड़ा हो जाएगा तो मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आलिया का होमवर्क रहेगा, ऐसे करके मुझे एक बार दिखा देना। ओके ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा कर लेते हैं, चलो पर आ जाते इसमें होगा टी एच। अब इंटीग्रेशन साइन का इसमें क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे, तब यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू साइन स्क्वायर एक्स।
यहाँ पर क्या आएगा, अंदर एक टू दे देंगे तब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो अंदर टू मतलब टू स्क्वायर, मतलब बाहर मुझे टू क्यूब देना है, क्लियर है या नहीं? यस सर। यहाँ पर टू ऊपर टू स्क्वायर दिया है, यहाँ पर ऊपर एक टू दिया है, मतलब टू क्यूब मुझे नीचे देना पड़ेगा। फरात को क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। लग नहीं रहा है तुम्हारा वॉइस? यस सर क्लियर है। नहीं क्लियर हुआ तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? ओके ठीक है। चलो कॉस 2x, इसका फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 dx dx। अब ये क्या आएगा, 1 बाई 2 क्यूब 1 माइनस कॉस 2x। अब इसका फॉर्मूला में तोड़ना है, 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। वन बाई टू क्यूब इंटीग्रेशन, अब इंटू करेंगे, इंटू करने से वन वन से इंटू करेंगे तो टू कॉस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस, यहाँ पर इंटू कर लो माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस कॉस टू एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर टू एक्स, और यहाँ पर आएगा माइनस कॉस क्यूब टू एक्स। आलिया की मुराद पूरी, कॉस क्यूब एक्स टू एक्स आ गया, यहाँ पर हम यूज करेंगे। वन बाई टू क्यूब इंटीग्रेशन, अब देखो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टू कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। हाँ यहाँ पर रहेगा एक कॉस स्क्वायर टू एक्स, कॉस स्क्वायर टू एक्स, और यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स, यहाँ पर सिर्फ कॉस टू एक्स, यहाँ पर कॉस क्यूब टू एक्स। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट लाइन नहीं लेना पड़ेगा। वन बाई टू क्यूब इंटीग्रेशन वन प्लस टू कॉस टू एक्स, यहाँ पर एक हाफ ले लेंगे, टू कॉस स्क्वायर टू एक्स, ऐसे कॉस टू एक्स रहेगा, और यह पर वन बाई फोर कॉस क्यूब टू एक्स डी एक्स। सर वन बाई फोर, ओह सॉरी, ठीक है, यस सर, हाफ वन प्लस कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स माइनस वन बाई फोर, इसका फॉर्मूला है, नीचे लिख देते हैं हम लोग, सिंस कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस थ्री थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, तो वहाँ से इम्प्लाई करेगा फोर कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस थ्री थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस, यहाँ पर थीटा कितना है, हमारे यहाँ पर थीटा कितना है, टू एक्स, टू एक्स, हाँ
पर मेरा टू ये टू एक्स है मतलब ये सिक्स एक्स हो जाएगा, हो जाएगा वो सिक्स एक्स प्लस थ्री कॉस कॉस टू एक्स बाकी का कर पाओगे? यस सर, अब से अलग अलग इंटीग्रेशन चलाना है। अलग अलग करके कर, हाँ चलते हैं। ओके यस सर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? दोनों इवेंट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था ये आखिर वाला, ये वाला पांच नंबर। इफ m प्लस n इज एन माई इफ नेगेटिव इवेंट इंटीजर, अगर नेगेटिव इवेंट इंटीजर हुआ मतलब ये वाला फॉर्मूला में अगर m प्लस n, m प्लस n अगर नेगेटिव अब इवेंट नम इवेंट एंड क्या हो इंटीजर होना है तब पुट करना क्या पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा tan x इक्वल टू जीरो। एक मैथ करते हैं क्लियर हो जाएगा, देख लो। यप m प्लस n इज ए नेगेटिव इवेंट इंटीजर अगर हुआ तो कुछ करना पड़ेगा tan x इक्वल टू, इसको याद रखना है, इस रूल को याद रखना है। ओके सर ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो एक्चुअल में माइनस एट, एक्चुअल में ये साइन एक्स जो क्यूब वन बाई है मतलब ये एक्चुअल में है वन बाई साइन एक्स उसका होल क्यूब, मतलब एक्चुअल में है साइन एक्स उसका होल टू दी पावर माइनस थ्री, माइनस थ्री मतलब ये नेगेटिव, इसका एक्चुअल में इसका पावर क्या है, इसका पावर नेगेटिव माइनस थ्री, उसका पावर पावर क्या है माइनस माइनस फाइव, दोनों को ऐड करो, ऐड अगर करोगे माइनस एट एकदम माइनस एट, ऐड करना है तो माइनस एट दैट मींस नेगेटिव है, इवन नंबर भी है और देखो ये इंटीजर भी है, क्लियर है या नहीं? यस सर ठीक है, यहाँ पर लिख के रखते हैं बाद में तुम लोगों का काम आएगा। अब तब ऐसे मैथ में क्या करना है, टेन को, टेन को जीत पकड़ना है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टेन है ही नहीं, तब टेन को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे टेन मतलब क्या, टेन मतलब साइन एक्स सर, कॉस को तो वन बाई सेक्स करके कर सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स उसको टेन बोलते हैं। यहाँ पर टेन कैसे लाए देखो, ऊपर वन है नीचे देखो साइन क्यूब एक्स है, इसके नीचे हम लोग कॉस क्यूब एक्स लिखते हैं, मतलब यहाँ पर मुझे कॉस क्यूब एक्स देना है ऊपर और यहाँ पर इंटू में एक कॉस क्यूब पर फाइव एक्स दिया हुआ है, क्लियर? यस सर। अब सर कॉस वाले को सेक बनाकर टैन कर सकते, ऊपर चलते हैं, ये आ जाएगा हमारा सिक्स टू दी पावर एट एक्स डी एक्स बाई टेन क्यूब एक्स। ओके प्रॉब्लम है, हम जब रिएक्ट करेंगे टेन एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे और उसका डेरिवेटिव करने से क्या आएगा सिक्स स्क्वायर, मतलब मुझे सिक्स स्क्वायर एक अलग से चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे एक सिक्स स्क्वायर निकाल दो, यहाँ पर आएगा सिक्स टू दी पावर सिक्स एक्स सिक्स। अब
ए वाला टर्म तो डीजेड के साथ चला जाएगा, रह जाएगा इस पर, इसको मुझे टेन में कन्वर्ट करना है। सर इसको टेन बना देंगे, इसको टेन में कन्वर्ट करना है। ओके क्लियर। तब लिख दे सिक्स स्क्वायर एक्स का होल टू दी पावर टू, सिक्स स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा तेरा टेन क्यूब एक्स, मतलब ये टेन क्यूब एक्स ऊपर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसका होल क्यूब सिक्स पर। क्लियर है? यस। ओके अब यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, इट इज जेड क्यूब वन प्लस जेड स्क्वायर उसका होल क्यूब एंड इट इज डी जेड। आई थिंक बाकी का कर लोगे? यस सर। हो जाएगा ऊपर का ब्रेक करके डिवाइड करके इंग्लिश कर लेना। ओके सर। यस ओके, बाकी का होमवर्क। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा और क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं? पांचों रूल थे, पांच रूल नंबर फाइव भी हो गया हमारा, पांच रूल थे, पांच रूल खत्म। अब उसको उसको छोड़ के भी एक दो टाइप का आ सकता है, उसको हम देख लेंगे पहले। या पर पहले नीचे वाले को करते, ये उस लास्ट में लास्ट टाइप का ही है। इसको अगर देखो तो इसमें भी देखो एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है साइन स्क्वायर एक उसका, हाँ उसका होल वन थर्ड, वन बाई थ्री, मतलब साइन टू साइन एक उसका टू थर्ड है ऊपर वाला, नीचे वाला तेरा है कॉस टू दी पावर फोर्टीन एक्स वन थर्ड, मतलब तेरा ये आ जाएगा cos to the power 14 by 3, मतलब अल्टीमेटली पावर को ऐड, अब पावर का पावर देख लें, पावर को अगर देखेंगे तो इसका पावर है 2 by 3 और इसके पावर नीचे से ऊपर जाएगा माइनस 14 by 3 माइनस 12 by 3 माइनस फोर, मतलब नेगेटिव इवन इवन इंटीजर, मतलब फिर से मुझे टेन कहीं से कहीं पर लाना है और उसको जेड पकड़ना है। क्लियर है या नहीं? ओके यस सर। अच्छा अब सोचो कैसे करेंगे, यहां तो साइन टेन कैसे लाए, सोचो लगाओ दिमाग। सर फिर से साइन के नीचे कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड, सॉरी यहां पर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, यहां पर ऑलरेडी कॉस नीचे है, डिवाइड अलग से करना कॉस्ट। हां हां यस सर यस सर, साइन कॉस स्क्वायर एक्स सर, हो सकता है टेन स्क्वायर एक्स इनटू सेक टू दी पावर ट्वेल्व एक्स, एकदम एकदम वही करना है इंटीग्रेशन, सॉरी
इंटीग्रेशन क्यूब रूट ऑफ ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे छोड़ देते हैं कॉस 12 एक्स, यही तो आ लिया। यस सर। हाँ ओके, इसको नीचे तक लाना है, तो रूट को नीचे तक लाना है इंटीग्रेशन। और याद रहे एक थ्री इसके अंदर होगा, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा इसका एक्चुअल मीनिंग है एक्स पावर वन पर। अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे इसका मीनिंग हो जाता है ऐसा, थ्री अंडर रूट एक्स। हाँ दोनों का डिफरेंस समझना है। यस सर। अच्छा चलो, और ये एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा थोड़ा कर दे क्यूब अंडर, एक ये आएगा हमारा साइन बाई कॉस आएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो होगा सेक 12 टू दी पावर 1। क्लियर है या नहीं? यस सर। अब क्यूब बोथ सबके ऊपर पड़ेगा तो 2/3x इंटू सेक 2 टू दी पावर 4 x डी एक्स, आई थिंक बाकी का कर लोगे ठीक है। यहाँ पर तो मुझे लेट पकड़ना पड़ेगा। यस सर हो जाएगा। लेट हाँ 10x को लेट पकड़ लो, ये तेरा तो 6x डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे तब एक मिनट चांस खत्म हो गया। अब ये आ जाएगा हमारा 10 2/3x 6x 6x, और इसको बाद में हम 1 + 10x लिख देंगे और ये हमारा 6x। बाकी का हो जाएगा फरक? यस सर बाकी कर लेंगे। 2 1 + यस सर हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट कर लेना। ओके तब इस टाइप का सब खत्म। चलो ऊपर चलते हैं, ये वाला रहेगा ऐसा, इसको कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फॉर्मूला था वो था साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग, मतलब साइन कॉस दोनों ही होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है पर सिर्फ साइन है कॉस नहीं। प्रॉब्लम क्लियर हुआ सर? एक को पहले वाले चैप्टर जैसा वन ले सकते हैं? एकदम वही करेंगे। सपोज कर सकते हैं कि वन तो वन ले लें, वन को वन मतलब अच्छा एक ये पर वन लेते हैं, वन डी एक्स हाँ मतलब इसको हम कॉस में ले लेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है, लेना नहीं है, दिखाने के लिए। अब रूल सेम था, या पर ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, पास से निकालना है सर। कॉस क्यूब कैसे हुआ? मतलब वन है ना, वन को फिर कॉस जीरो है। हाँ ओ कॉस जीरो है। ओ ठीक है सर, कॉस टू दी पावर जीरो है। यस सर। ठीक है अच्छा, अब ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, मुझे फिर से ऑड से ही निकालना है। तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एक साइन को निकालेंगे या पर साइन टू दी पावर 6x। ठीक है इसको लिखना नहीं है, कॉस टू दी पावर 0 1 छोटो। क्लियर है? ये सिर्फ समझने के लिए था, ये लाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड सेम, ये इस लाइन का जरूरत भी नहीं है सिर्फ समझने के लिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं। साइन इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। सर वीडियो नहीं आ रहा। हाँ क्या कह रहे हो, वीडियो नहीं आ रहा है? अलिया फरहत को आ रहा है? यस आ रहा है। अलिया आ रहा है? अलिया सर नहीं आ रहा वीडियो भी। तब एक बार निकल जाओ बाहर, चले जाओ, उसके बाद आ जाना। हम रुकते हैं एक मिनट, रुकते हैं हम। ओके आ रहा है अब। अलिया अब दिखा देख पा रहे हो? नो सर। आप देख क्या रहे, देख क्या, देख क्या? अच्छा देख लो, दो लाइन हम कर लिए, एक बार देख बोल देते इतना तक तुम लोग तुम थी। अच्छा साइन स्क्वायर को हम कॉस में लिख दिए, क्यों? क्योंकि बाहर सिंगल कॉलम है, साइन है, तो मुझे कॉस को देख पकड़ना पड़ेगा। तब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स मतलब कॉस, मतलब मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लिए। ओके ठीक है अलिया, ठीक है सर। क्यूब कहाँ गया? क्यूब भी था। ओह थैंक यू थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो इसको इसको बाकी का कर लेना, इसको हल्की में तोड़ देना, आता है ना फॉर्मूला? यस सर। कर लेना बाकी का होमवर्क है। हो जाएगा? यस सर। नीचे और कुछ नहीं है, मतलब ये जो साइन साइन से साइन और कॉस कॉस को मिला के जो रूल था पांचवें रूल हम लोग कवर कर लिए और कुछ नहीं है, वो वाला चैप्टर खत्म। ठीक है तो ये चैप्टर खत्म हो गया स्पेशल फंक्शन। बोल रहे उस चैप्टर में और दो तीन फॉर्मूला है उसको करेंगे, मतलब ये टाइप वन कह सकते हो, इसको टाइप वन कह सकते हो। ये खत्म हो गया, ये क्या गया साइन और कॉस गया, अब बाकी है सेक कोसेक वाला पार्ट। सर ये चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है? ऐसा नहीं है भाई, पूरा इंटीग्रेशन से आता है, किस चैप्टर से कौन क्या मैथ आएगा वो मुझे पता नहीं। ओके करे करे यस सर। ओके यहाँ पर रूल दिया हुआ है, मुझे रूल्स को देखना ही नहीं है, मैं सिंपल करूँगा। देख इसको पहले कैंसर एक सेक्टर पर पूरे हो जाएगा या नहीं, ये होगा या नहीं, कैन को जिन पकड़ लेंगे। यस सर हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, सिक्स स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। इसलिए सर ये वाला फिर से बोलिए एक बार। हाँ ये वाला शुरू से बताइए ना, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन टेन स्क्वायर एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर फोर एक्स है।
हम ये वाला पूरा सुना ही नहीं बना। अच्छा ठीक है, पहले से ही बोल यही रहे से हैं, स्टार्ट है। यही से स्टार्ट है। यस सर। टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x, इसको कर पाओगे या नहीं? अभी अभी ऐसा बहुत मैथ हम लोग कर कर के आए, अभी किए, मतलब टेन टेन को पकड़ लेंगे तो दोनों इवन हो जाएगा। दोनों इवन का मतलब नहीं है भाई, टेन ए टेन एक्स है उसके साथ सेक्स स्क्वायर है, टेन को अगर जेड पकड़ेंगे तो एक सेक्स ये डी जेड के साथ चला जाएगा, ये वाला क्वेश्चन ये आ जाएगा जेड, और इसको हम पकड़ लेंगे वन प्लस जेड स्क्वायर वन प्लस टेन। हाँ वन प्लस टेन का मतलब जेड स्क्वायर आ जाएगा। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देख लो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार देख लो, टेन टेन सेक है तो इसको एक सेक को अलग कर लिया उन लोगों ने, अब ये वाला टेन को वन प्लस टेन स्क्वायर कर लिए, अब तू टेन को जेड पकड़ ले, उस लोगों ने टी पकड़ा है तो बाकी का हो जाएगा ए तेरा टी स्क्वायर, ए तेरा वन प्लस टी स्क्वायर, और ए हमारा डी टी, बाकी का हो जाएगा अलिया। यस सर। नंबर वन वाला, नंबर वन वाला में आते हैं। अब देखो ए कर पाओगे या नहीं, वन वाला टेन को जेड पकड़ना है और ये पूरा डी जेड से चला जाएगा, इसका इसके बाद जो होगा दिस इज जेड टू द पावर इन डी जेड। देखो सर नहीं समझ आ रहा, टेन टू द पावर, टेन टू द पावर फोर एक्स डी एक्स है, एल एन एन है, यहाँ पर देखिए। यस एन। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देख ले भाई, टेन टू दी पावर एन एक्स सिक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर टेन को तू जेड पकड़ ले, तब ये तेरा आ जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू जेड। यस सर समझ गया। मतलब ये तेरा डी जेड होगा, ये वाला क्वेश्चन z टू द पावर z टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है n प्लस 1। ओके यस सर। यस सर। आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट और कौन सा है, ये वाला देखो, सिर्फ सेक की कागर होगा, मतलब अगर क्वेश्चन में ही था, अगर सेक के ऊपर इवन नंबर हुआ, सेक के ऊपर इवन इवन नंबर हुआ तो तुझे टेन को जेड पकड़ना पड़ेगा, सेक के ऊपर अगर इवन नंबर हुआ तो टेन को जेड पकड़ना है, ठीक है। ये वाला देख लो, ये पर करते हैं हम लोग, एक क्या है सेक टू दी पावर फोर एक्स, हम क्या करेंगे सिक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दो बार लिखेंगे, एकदम सिक्स स्क्वायर एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स, अब टेन को लेंगे, इसको टेन स्क्वायर कर देते हैं पहले वाले को, और सेकेंड वाले को सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देते हैं, अब लेट करते हैं टेन एक्स को पकड़ लेते हैं, तब ये तेरा आ जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू, इंटीग्रेशन वन प्लस सिक्स स्क्वायर डी जेड, बाकी का हो जाएगा या करे हो जाएगा सर, जेड प्लस जेड जेड प्लस जेड क्यूब बाई थ्री सी प्लस सी प्लस सी, अब उसके जगह वैल्यू लिख बिठा देना, इट इज टेन एक्स प्लस वन थर्ड ऑफ टेन क्यूब एंड प्लस सी, ठीक है पढ़ा क्लियर है? यस सर। ठीक है, मतलब फिर से वही बात, अगर टेन होगा उसके साथ सेक का अगर इवन पावर हुआ, इवन पावर तब पुट टेन एक्स इक्वल टू,
याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, ये तो फिक्स है। अगर टेन और सिक्स मिल के रहेगा तो मुझे टेन को इधर पकड़ना पड़ेगा, ओके। बट अगर उल्टा मैथ हुआ, मतलब सिक्स का पावर में इवन नंबर ना होके ऑड नंबर हुआ, लाइक दैट, ये बात ऐसे, सिक्स के पावर में अगर ऑड नंबर हुआ, तब अगर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर टेन क्यूब एक्स, यहाँ पर सिक्स एक्स को रख के सिक्स स्क्वायर को अगर निकाल दे तू, तो टेन को जेड पकड़ेगा तो जेड क्यूब, ये तेरा डी जेड के साथ चला जाएगा, ओके। प्रॉब्लम होगा इसका, इसको क्या करेंगे, इसका इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? यस सर। मतलब यहाँ पर इवन नंबर ही होना होगा अगर मुझे 10 को जेड पकड़ना है, अदरवाइज तो ऐसे वाला मैथ कैसे करेंगे, तब 10 को नहीं 6 को जेड पकड़ना है, 6 को जेड पकड़ना है, यस सर, 6 को, 6 को पकड़ना है, कैसे करेंगे दिखाते हैं, देख लो। यहाँ पर कर देते हैं, नीचे क्या हुआ है, यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, इसके बाद सेकंड लाइन करते हैं, 6 क्यूब एक्स, यहाँ पर एक काम करो, 6 को पकड़ना है, 6 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x tan x, तो मुझे यहाँ से एक 6x और tan x को निकालना है, tan x और एक 6x को निकाल लेते हैं। अब tan x into 6x मतलब मुझे 6 को z पकड़ना पड़ेगा, 6 को z पकड़ना पड़ेगा, इसको z पकड़ेंगे तो क्या आएगा, tan x into 6x dx equal to dz, मतलब मुझे सबको 6 में चाहिए, आई थिंक इट इज क्लियर, सबको मुझे 6 में चाहिए, तो इसको हम 6 में कन्वर्ट करेंगे, वन नहीं, सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये आ गया मेरा सिक्स स्क्वायर एक्स, और ये आ गया मेरा टेन एक्स इंटू सिक्स एक्स डी एक्स, तो अब ये क्या होता है, सिक्स स्क्वायर माइनस वन, this is z square and this is dz, I think बाकी का कर लोगे, हो जाएगा? Yes sir. Clear है? छोड़ दे? Yes sir. Okay. तब ये वाला हो गया। अब अगर सिर्फ integration 6 to the power 4x कर लिए, but integration 10 to the power 4x भी तो हो सकता है। That like yes, sir. ऐसा। Yes, sir. Oh, अच्छा फराद का कब से क्लास है? फराद सर, सर आज नहीं है, आज नहीं है, नहीं। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, हम भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओके। अब सिर्फ 10 टू द पावर 4 एक्स अगर ऐसा हुआ, इसको कैसे करेंगे, 10 टू द पावर क्या है, यहाँ पर दो टर्म चाहिए मुझे, टेन स्क्वायर एक्स और एक टेन स्क्वायर एक्स, यस ठीक है, एक अच्छा यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर नहीं करते, क्यों, क्योंकि मुझे और एक चीज भी दिखाना है, ओ यहाँ पर दोनों में आती है, टेन का क्यूब भी है स्क्वायर ही, वो दोनों ही चाहिए था मुझे, करे कहाँ, जगह तो नहीं छोड़ा हमने, एक मिनट रुक जा, देखें एक मिनट दिख जाओ, यहाँ पर जगह है ही या नहीं, दिखते जगह शायद है नहीं, चल चल चल, हाँ हो गया, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा,
यहाँ पर देख लो इंटीग्रेशन टेन टू दी पावर फोर एक्स वाला मैथ करेंगे और इंटीग्रेशन टेन टू दी पावर क्यूब एक्स वाला मैथ करेंगे। इसको अगर करेंगे कैसे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसको क्या करेंगे फिर इस टेन को, इस टेन से मुझे सिक्स चाहिए मतलब सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन और यहाँ पर भी मुझे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू करो टेन स्क्वायर एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स। अब ये पहले वाला पोर्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला पोर्शन भी हो जाएगा। पहले वाला पोर्शन के लिए यहाँ पर करना है इस लाइन से लेट करना है टेन एक्स को, लेट करना है टेन एक्स को जेड पकड़ना है, इधर आ जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ये तेरा जेड टू दी पावर स्क्वायर डी जेड आ जाएगा, रह गया ये इसको मुझे सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखना है, दोनों ही हो ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, बाकी का तो हो जाएगा जेड क्यूब बाई थ्री माइनस टेन एक्स माइनस वन, वन नहीं टेन एक्स माइनस एक्स प्लस, ठीक है। बाकी का वैल्यू बिठा देना यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा वन थर्ड टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसको उठा दो टेन एक्स प्लस सी, क्लियर? यस सर। ओके, हाँ बस अगर यहाँ पर क्यूब होता, क्यूब को हम और एक इससे लिखे अगर इंटीग्रेशन टेन क्यूब एक्स डी एक्स ऐसा होता तब भी एक ही स्टाइल है, टेन स्क्वायर को निकालना है, टेन एक्स करना है, डी एक्स करना है, टेन एक्स को या फिर सिक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस वन टेन एक्स करना है, डी एक्स करना है। अब इंटू करो टेन एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स, अब ऐसे ही पकड़ लेना, ऐसे ही पकड़ लेना तो ये आ जाएगा तेरा जेड डी जेड एंड इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट लाइन में करेंगे, ये आएगा जेड स्क्वायर बाई टू माइनस टेन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ सिक्स एक्स प्लस, क्लियर या नहीं? यस सर। क्लियर। अच्छा ऐसा अगर टेन का हुआ तो कॉट का भी हो सकता है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो कॉट का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर उतने सेकंड में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक कर लेना हाँ, तो कॉट का भी ऐसा कर लेना, यहाँ पर कर देते जगह तो यहाँ पर है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉट टू दी पावर ये वाला एंड इंटीग्रेशन कॉट टू दी पावर ये वाला कॉट ये होमवर्क रहेगा, हो जाएगा? ओके सर।
टेन गया, टेन का ऑड इवन गया, ऑड का ऑड इवन गया। लास्ट क्लास में हमने सेक क्यूब का करवाए थे, याद है या नहीं? लास्ट क्लास में सेक क्यूब का करवाए थे बाय पार्ट्स का, मुझे चलते हाँ या प्रकट सेक क्यूब का करवाए थे लास्ट क्लास में बाय पार्ट्स में, याद है शायद? लास्ट में आखिर में आई पकड़ना पड़ा था या पढ़ाया था, याद है? हाँ सर। या पर भी सेक एक्स करके उसके बाद सेक स्क्वायर करके, या पर इसको बी और इसको यू पकड़ के करना पड़े, याद आया? तो ऐसे नो ही सर। नहीं याद नहीं है? नो सर नहीं था सर, क्यों सर एक से नेट। हाँ बोल सर, क्यूब एक्स नहीं था सर। नहीं था क्या बोले हम लोग? नो सर। नहीं था, सही बोला। कौन सा था? एक मिनट देखते, नहीं था बोल दिया उसने, बहुत बुरा था। क्लास क्लास क्यूबन एक थी ना, हाँ क्या था वो? क्या क्लास था वो? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का क्लास है, उसने बोल दिया क्यूब वाला नहीं था। नहीं सर, कुछ करवाए नहीं हुआ तो नहीं सर। आई कुछ और को पकड़े थे, वो लॉग कॉस एक्स वाला था, उसको आई पकड़े थे। ओ अच्छा, तब तो शायद नहीं होगा। ठीक है कर लेते, यहाँ पर कर देते। कौन सा हो रहा था आज? पर तुम काम कर लिए थे पिछले क्लास में? ये था वाइपर्स का सेकंड क्लास। यस सर। बट हमने करवाए थे, क्यों लग रहा है इतना तो? नो सर नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। नहीं पीडीएफ से करवाए थे ना? नहीं करवाए। ओके आज कर कहाँ कर पर करवाए थे? ऐसा मैं उस दिन का क्लास का फास्ट वीडियो में वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है बाद में देखते, छोड़ो अभी कर लेते हैं। देखो सेक क्यूब से कैसे तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यू इसको भी पकड़ के, मतलब ये पढ़ाएगा सेकेंड बी को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये आएगा हमारा सेकेंड टेन एक्स माइनस सेकेंड विथ सेकेंड इनटू टेन एक्स। हाँ पीडीएफ में ऐसे रोटेट कर करके कहे थे, हाँ मुझे याद आ गया, वो वाला लास्ट वाला वीडियो देख लिया ना, उसमें होगा, डेफिनेटली होगा। तो पीडीएफ में क्यों नहीं है तब? जो पीडीएफ भेजे थे उस पीडीएफ में नहीं होगा, वो तो पावर पॉइंट का पीडीएफ था। बट जो रिकॉर्डेड क्लास है ना लास्ट, वो जो आपका यस हाँ ओके समझ गए। ठीक है जब पीडीएफ में करवा रहे थे तब तुम लोगों ने किसी ने बोला सर ये लिख के नहीं क्यों कर रहे हो, तब आके पिक यहाँ पर स्टार्ट किया था, एक मैथ हो गया था तब, तो पहले वाला मैथ था। ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा। सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स।
सेक्टर इंटीग्रेशन तो tan x होता है माइनस sec x, इट इज sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। नीचे आते हैं माइनस इंटीग्रेशन sec x, ये क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन sec x क्यूब माइनस ऑफ माइनस टू प्लस sec x डी एक्स। सही, प्लस कैसे हुआ? माइनस ऑफ माइनस में प्लस होगा, देख लो। नहीं, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। ओ ओके हाँ सर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है ये तेरा ऊपर भी है, यहाँ पर भी सर, उसको बस पकड़ लेंगे। हाँ ऐसे ही बोली हाँ, थी वही आई उस क्लास में भी, तू ऐसे ही बोली थी तो बस पकड़ लेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। I प्लस इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब log of mod of sec x plus tan x, ये I, तो I लीजिए के जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ पर सी वन ले लेते हैं, सी वन ले लेते हैं, यहाँ पर टू आई आएगा, टू sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी वन। उस मैथ में ये वाला लाइन नीचे था, दिखाई नहीं दे रहा था, यस करो, यहाँ पर नीचे जगह पर ढक गया था, वो भी वीडियो में। yes, हाफ ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c1 बाई टू, तब i क्या आएगा, c1 को कुछ पकड़ लेना है, ये sec x tan x क्लियर है आलिया मैडम? यस सर। ठीक है, जब भी c1 कहीं पर पकड़ना है तो जिस लाइन पे आया है उस लाइन पे लिखना पड़ेगा। व्हाट इज c1? c1 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। खराब है या चलेंगे? खराब सही है, अरे यह तो है। अच्छा देखो, क्लियर हुआ या नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। हां हां नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, तब तो सुनाई नहीं मिल रहा है सही से। इतना सोचने का प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो देख लेना। यस सर। ठीक है, मैं पूरा वीडियो सर, रिकॉर्डिंग नहीं है हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है लेकिन। अरे दरकार नहीं है भाई, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हां स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस सर, ठीक है। तो ये भी हो गया, मतलब sec sec का अगर क्यूब और sec क्यूब sec टू की पावर 5
कोसेक का क्यूब और कोसेक टू दी पावर फाइव इतना करने से ही हो जाएगा। तब हम यूज करेंगे बाई पार्ट्स। ओके बट yes, अगर कंक्लूजन है आज का क्लास का पूरा क्लास का कंक्लूजन है अगर बट अगर ऐसा हुआ कि टेन का क्यूब और टेन टू दी पावर फाइव और टेन टू दी पावर फोर मतलब इवन पावर और टेन टू दी पावर सिक्स इसमें बाई पार्ट्स नहीं लग सकता और पॉटिक्स जरूरत नहीं है पॉटिक्स पॉट टू दी पावर फोर डी एक्स पॉट और पॉट क्यूबिक्स अगर ऐसा हुआ तो हम डायरेक्टली करेंगे टेन टेन का अगर ऐसा हुआ तो उसको हम तोड़ देंगे टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर में ठीक है क्या पर भी टेन टेन क्यूब एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे ठीक है या पर कॉट को भी ऐसे तोड़ देंगे कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे उसके बाद कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में लिख देंगे क्लियर है यस सर क्लियर है यस सर यस सर हो गया और क्या कंफ्यूजन होगा टेन कॉट हो गया सेक कोसेक हो गया हाँ अगर सेक का इवन नंबर का पावर हुआ सेक और कोसेक का अगर इवन नंबर का पावर हुआ तब क्या होगा अगर सेक और कोसेक का इवन पावर हुआ सेक टू दी पावर सेक क्यूब तो स्पेशल फंक्शन अगर सेक का इवन पावर हुआ सेक टू दी पावर डी एक्स और सेक टू दी पावर सिक्स एक्स या तो कोसेक टू दी पावर फोर एक्स और कोसेक टू दी पावर सिक्स एक्स ऐसा अगर हुआ तो तुझे सिक्स स्क्वायर स्पेशल फंक्शन यूज करेंगे हाँ मतलब तुझे यहाँ से एक सिक्स स्क्वायर को अलग करना है और उसके बाद इसको टेन में कन्वर्ट करना है क्लियर है यस सर या पर भी ऐसा ही होगा इसको कोसेक स्क्वायर एक्स और इसको कोसेक टू दी पावर फोर एक्स में कन्वर्ट करना है इसको कॉट में लेके जाना है कैसे लेके जाओगे कॉट में इसको लिखना है कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर उसके बाद इसको लिखना है वन प्लस कॉट स्क्वायर इसका होल स्क्वायर साइड में तेरा कोसेक स्क्वायर एक्स रहेगा क्लियर है और उसके बाद इसको जेड पकड़ लेना है कॉट पे क्लियर है कॉट यस सर क्लियर है यही है yes, sir. पूरा क्लास का कंक्लूजन यही है क्या तब हो गया स्पेशल फॉर्म में सबका कर दिया सेक का इवन नंबर ऑड नंबर के लिए कर दिया टेन का सेक हो गया कोसेक हो गया अच्छा टेन और कॉट का इवन ऑड के लिए नीचे कर दिए हम टेन कॉट सेक कोसेक हो गया और क्या रहेगा साइन कॉस का तो यहाँ पर कर दिए हम लोग यहाँ पर पहले ही है हाँ ये यहाँ पर जो पांच रूल थे सब कुछ कर दिए क्लियर है स्पेशल फॉर्म खत्म स्पेशल फॉर्म करके एक चैप्टर है उस पे खत्म अलिया के पास बुक है क्या यस सर है हाँ तो